इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग खबर आ रही है बिहार से, जहां पर फिर से जमीनी विवाद एक परिवार के लिए काल बनकर उभरा है। आपको बता दें कि यहां पर सामने देख सकते हैं तस्वीर, देखिए ये है मेजर सेवानिवृत्त मेजर विनोद कुंवर। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला के पतोर ओपी क्षेत्र से आ रही है, जहां पर श्रीराम पिपरा गांव के निवासी राभद्रपुर पंचायत के पूर्व सरपंच का पीट पीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा परिवार पीट पीट कर आरोप लगा रहा है कि मेरे पड़ोसी ने निर्मम हत्या कर दिया है। एक सेवानिवृत्त मेजर राम, जो पूर्व में देश का सेवा कर चुका हो, समाज का सेवा कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। धान की रोपनी चल रही थी और सुबह सुबह गए थे धान की खेती देखने के लिए। इस बीच पड़ोसी पहुंचकर हल्ला गुल्ला करने लगे और कहे कि इस खेत में तुम्हें खेती नहीं करने देंगे। इसके बाद ये माजरा सामने आ रहा है कि जहां पर पूर्व सेवानिवृत्त जो मेजर रहे हैं उनकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद आनन फानन में भाकपा माले के सभी नेता, खासकर क्षेत्र के जो हैं कार्यकर्ता हैं और हरीश हनी जो क्षेत्र के जिला परिषद हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला है और विरोध जताया है। पूरे गाँव में, पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक रैली निकाला है और इस क्षेत्र के जो खासकर पतोर ओपी के जो थाना अध्यक्ष हैं उन पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पतोर क्षेत्र में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितना भी कांड हुआ है, उसका सही सही जांच होना चाहिए, सही सही अपराधियों को पकड़ना चाहिए। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, बिहार के दरभंगा में जमीनी विवाद एक परिवार के लिए काल बन गया। देश के लिए आदमी कुर्बान होता है सर। आज अपना देखिए, उसको भूतपूर्व सैनिक को मार दिया है। 5 साल सरपंच में भी थे, समाज का रक्षा करते थे, समाज को देखते थे, हैं पूरे समाज को देखते थे। आज मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। बताइए, हमको फांसी का सजा मिलना चाहिए सर, न्याय मिलना चाहिए। कौन थे भूतपूर्व सैनिक? विनोद कुमार। आपके ससुर हैं? मेरे ससुर हैं। तो मेजर सुबेदार थे। मेजर सुबेदार, सुबेदार से रिटायर किए हुए हैं। कहाँ पर? जबलपुर से। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं सर, उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। जो आदमी मारा है, मर्डर किया है, उसको फांसी का सजा हमको चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। सरकार से विनती इतना ही है कि हमको न्याय दे, उसको फांसी का सजा दे, और कुछ नहीं। सरकार से हमको इतना ही विनती है। ये बताएं कि क्या ये जो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो लोग हैं घर पे कि चले गए? नहीं सर, भाग गया, फरार हो गया सब, लेडीज जेंट्स सब। कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या लग रहा है कि उन लोगों को लग गया क्या ऐसा? हाँ, लग गया कि हम मर्डर कर दिया, भागा सब। हम सब जावे पहुँचे भागा सब। तो कहीं पर चोट का निशान नहीं है शरीर पर? कैसे मर्डर कैसे हो गया? गला दबाया होगा, गला दबा दिया है। हथियार से नहीं मारा है सर, गला दबा के मारा है। कहाँ का जमीन का मामला था? जमीन का मामला मिन्हई था, मिन्हई में। मिन्हई जगह का नाम है? जी, मिन्हई नाम। बाद है क्या? हाँ, बाद है, चौर है। अच्छा, चौर है। हाँ, वहाँ पर क्या खेती होता है? धान रोपा रहा है। धान का? हाँ। हम तो बहू हैं, इतना हाँ। बाहर निकलते नहीं आते, इतना जानकारी सर हमको नहीं है। नहीं है। हाँ। मारने का रूप किसके ऊपर है? रंजीत कुमार, अमरजीत कुमार, चितरंजन कुमार, मनोरंजन कुमार। आपके पति कितने भाई हैं? ये अकेला है। मेरा पति को कितना बार मारा है, घर से निकाल दिया, घर में ताला लगा दिया है। हम आते थे तो हमको मारता था, मेरा बेटा को मारता था। तो हम खाजा सराय में अपना डेरा पर रहते थे, डर के मारे घर तक नहीं टपते थे। पूछिए समाज से, इतना लेडीज है उसे पूछिए कि हम नहीं डरे आते थे यहाँ, नहीं रहने दिया। 9 महीना से मेरा घर में ताला लगा के रखा हुआ था, और जब आए हैं 1 महीना हुआ है, 2 महीना, तो भैया मेरा ससुर को मार दिया है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा देवी। भाकपा माले के ओर से विनोद कुमार जो पूर्व सरपंच है रामभद्रपुर पंचायत के, इनकी हत्या जो है रजनीश कुमार गुंडा गिरोह के द्वारा किया गया है। हम इस हत्या के खिलाफ आज पूरे पिपरा से लेकर के मुंशी चौक तक हमने प्रतिवाद मार्च निकाला है, इस बात के लिए कि विनोद बाबू की हत्यारों को अभिलंब गिरफ्तार किया जाए।
और इसमें हम कहना चाहेंगे कि पतोर पुलिस की जो पुलिस क्या हुआ है? हमारे बगल के जो दो दिया जैसे रजनीश कुमार एक मनोरंजन कुमार और कन्हैया कुमार उनसे बहुत दिन से जमीनी विवाद चल रहा है जिसके कारण एक दो बार कुछ हमला बहुत हमला कर चुके हैं। इससे पहले भी बाबा पे अज्ञात हमला हो चुका है जिससे बाबा डीएमसीएच में भर्ती थे। उसके बाद आज सुबह में हम लोग थे अपने घर पे थे खास राय में थे तो फोन से पता चला कि बाबा गए थे मतलब एक जमीन है हम लोग का प्लॉट वहाँ पे गए थे मतलब वो धान का भी रोपाई चल रहा था वहीं पे गए थे तो ये सब गया था रोकने के लिए कि रोपाई नहीं होगा वहाँ पे जिसके कारण वहाँ पे झगड़ा हुई और उसमें बाबा को वहाँ पे चलने वाले रूप से मार दिया गया। पूरा जानकारी दीजिए कि ये जमीन इनका है या किसी और का है? नहीं ये जो भी जमीन है हम लोग का। क्या नाम है उनका आपके दादाजी का? विनोद कुमार। विनोद कुमार? विनोद कुमार। क्या कुमार? कुमार। अच्छा विनोद कुमार जी का है। जी जी। विनोद कुमार जी पहले से खेती करते आ रहे थे? जी जी। तो आज उनके साथ क्यों हुआ ऐसा? ये मतलब जमीन विवाद बहुत दिनों से चल रहा है ठीक ना। मतलब इससे पहले भी एक जगह प्लॉट है उस पर भी ऐसा ही मतलब लोगों को रखते हैं। हाँ। उधर प्लॉट है उस पर भी इसी तरह से एक हमला हुआ था ठीक ना जिसमें बाबा को बहुत बुरी तरह से चोट लगा। दरअसल पूरा कारण ये है कि मतलब जमीन को लेकर जैसे हम लोग का आगे से गेट है अपना प्रॉपर्टी इसमें भी मतलब आके वो सब ताला मार लिए जबरदस्ती करने की कोशिश करते मतलब जो भी है पूरा जमीन हम लोग का उस हिसाब से। अच्छा ये कौन है आपके खुद के? ये खुद के मतलब मेरे चाचा है। चाचा है जी। ये मतलब चाचा है ये मतलब फरीक है। कैसे चाचा हुए मतलब दादाजी के खुद के दादा भाई जी हैं के दो भाई हैं ठीक ना। ये सबसे बड़े है शुभकरण कुमार दादाजी के सबसे बड़े भाई हैं जी। तो वहाँ पर आखिरकार क्या हुआ खेत पर क्या घटना पता चला? खेत पे तो हम वहाँ पे थे नहीं मतलब बट किसी के चलते जो पता चला उसमें कि मतलब दादाजी गए मतलब उनको पता चला कि ये सब गए हैं रुकने के लिए मतलब रजनीश कुमार और ये मनोरंजन कुमार और उनके जो बड़े भाई हैं वो गए थे रुकने के लिए वहाँ पे। दादाजी सब पहुंचे दादाजी से हाथापाई हुई उस दौरान दादाजी को मतलब गला घोट के मार दिया गया। गला घोट के मार दिया गया ये आपको पता चला है जी। मारने का आरोप किसके ऊपर लग रहा है? मारने का आरोप मेन रजनीश कुमार पे और यहाँ पे चितरंजन कुमार और मनोरंजन कुमार उनके जो एक बड़े भाई हैं उनके अमरजीत कुमार उनके। उस वक्त खेत पर सभी थे ये लोग। अच्छा तो ये मतलब इतना एग्रेसिव हो गए इतना ज्यादा मतलब जमीन के लिए हो गए कि आपके दादा को मार दिया है ऐसा आपको लग रहा है? दरअसल इनका जो पहले से भी मतलब बहुत सारा मतलब पतोर थाना है उसमें पहले से मुकदमा दर्ज है उस टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ। मतलब करते रहते हैं मारपीट करते रहते हैं अक्सर गांव में किसी से भी अगर आप पूछेगा और किसी से भी आप पूछ सकते हैं इनके बारे में तो इनके बारे में बताया जाएगा कि इस तरह से कर रहे हैं मतलब सभी को मतलब हम ही लोग को नहीं बल्कि गांव में जो भी है सबका जमीन पे मतलब भू माफिया टाइप का ये मतलब कब्जा कर रहे हैं। आपके दादाजी पूर्व में क्या थे? सूबेदार मेजर से रिटायर। मेजर से कहाँ पर? वो जबलपुर। जबलपुर में थे रिटायरमेंट से घर पे रहते थे। यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे दादी रहती है बाबा रहते हैं और मेरे पापा। पापा जी। पापा उस समय में कहाँ पर थे? पापा उस समय घर पे ही थे तो पापा को पता चला कि ऐसे क्या कहते हैं कि वहाँ पे पापा भी वहाँ पे पहुंचे तो पापा को बहुत बुरी तरह से मारा चोट लगा पापा को बहुत बुरी तरह से चोट लगा। दादाजी के मारने से पहले कि मारने के बाद? नहीं मतलब बचाव में जो गया था उस बीच में मार लगा और इससे पहले ही पापा को बहुत बार मार चुका घर में घुस के मार चुका। तो मतलब आपके पापा के सामने ही आपके दादाजी को मार दिया गया क्या? वही हुआ है जी जी। अच्छा क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले कुछ मतलब जो मतलब रजनीश कुमार है मनोरंजन कुमार या ये जो भी है इन सबको मतलब न्याय मिले मतलब सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो भी मतलब हमारे दादाजी को जो भी किया इसका जल्द से जल्द एक फैसला हो। क्या नाम हुआ आपका? रोहन कुमार। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? विक्रम कुमार। थाना में दे दिए आप आवेदन? हाँ जी थाना में दे चुके हैं। विनोद कुमार की हत्या है रजनीश कुमार को गिरफ्तार करना होगा पतोर पुलिस अपराधी का जोर ये अपराधियों के साथ घात का आज परिणाम है कि आज विनोद कुमार की हत्या हो चुकी है। जब से पतोर थाना में जितेंद्र चौधरी आए हैं तब से पतोर इलाके में लगातार चार पांच हत्या हुई है और हम लोगों ने थाना प्रभारी को इन्फॉर्म किया और लोग आवेदन FIR का कॉपी भी दिया लेकिन आज जो है किसी भी अपराधियों को आज पतोर की थाना प्रभारी मोटी रकम लेकर के लाखों 2 लाख रुपया लेकर के आज अपराधियों को खुलम छुट्टा जो है घूमने के लिए दे रहा है। हम इस बात के लिए आए हैं हम जिला प्रशासन से जिसे हम मांग करना चाह रहे हैं कि दरभंगा में बढ़ते अपराध के खिलाफ पतोर इलाके में बढ़ते अपराध के खिलाफ हमने जिला प्रशासन को सचेत करते आए हैं
कि आज जो है पतोरोपी में जो जितेंद्र कुमार है वो अपराधियों से साठ घाट करके आज हत्या पर हत्या करवा रहे हैं। आज उघरा में रामदेव मंडल की हत्या हो गई, विनोद कुमार की हत्या, रजनीश कुमार को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुलिस पतोर पुलिस अपराधी का जोर मुर्दाबाद।